नमस्कार खेल प्रेमियों, स्वागत है आपका इंसाइड स्टूडियो फिल्म मेकिंग प्रेजेंट इंसाइड सॉकर कप। ये टूर्नामेंट है सॉकर का, या फुटबॉल कह सकते हैं आप उसे अपनी भाषा में। आप उसे हिंदी में तो कुछ हो ना उसका नाम, लात से खेलने वाला खेल है क्योंकि लातों के भूत। चलिए मेन चीज पे आते हैं। सो मेरा नाम इंसाइड है और मैं कमेंटेटर इस पूरे टूर्नामेंट का, जिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं 5 टीमें, जिसमें इंसाइड के स्टूडेंट्स हैं और स्टाफ मेंबर्स भी हैं, कुछ हैंडसम गाय ऑनर भी हैं। कौन है वो मुझे क्या पता। सो सभी टीमों के आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हैं सभी टीमें आपके सामने। सबसे पहले दुनिया की सबसे खतरनाक टीम एवेंजर्स, उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक टीम हैंकॉक, और फन लविंग टीम गोलमाल, और धमाल मचाने वाली टीम धमाल, और सबसे ज्यादा तेज और तेज तर्रार टीम नीड फॉर स्पीड। और इन सब के कप्तान कौन है वो तो आप जान ही चुके होंगे। और ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया इनसाइड डिजिटल फिल्म मेकिंग द्वारा, और ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है इनसाइड मोशन पिक्चर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्लोथिंग पार्टनर्स इनसाइड क्लोथिंग क्लब, फूड पार्टनर्स द इनसाइड कैफे, और लोकेशन पार्टनर्स टिकी टाका, और बाकी सबको तो आप जानते हैं। लेकिन एक खास टीम जो कि RFS की टीम है, उसमें कप्तान है हमारे बहुत खास मित्र NPS3D। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ये थी सभी 5 खतरनाक टीमें। कौन जीतेगा टूर्नामेंट मुझे नहीं पता। 3 ट्रॉफीज हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सबसे पहले तो विनर टीम की जो जीतेगा उसे ऑफकोर्स ट्रॉफी मिलनी चाहिए। बेस्ट गोलकीपर की एक ट्रॉफी है, और सबसे ज्यादा गोल या फिर बेस्ट प्लेयर उसकी एक ट्रॉफी है। तो ये 3 ट्रॉफीज, और साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन अवार्ड जो कि दुनिया में बहुत मुश्किलों से मिलता है, वो है आप लोगों का दिल। आपका दिल उन्हें मिल जाएगा जो जीतेंगे। मुझे तो बस तुम्हारे पैसे मेन चीज पे आते हैं। और ये टूर्नामेंट जो है वो एक लीग सिस्टम है, जिसमें सभी टीम्स एक दूसरे से कांटे की टक्कर करेंगी, और जीतने वाली टीम आगे बढ़ती चलेगी सेमीफाइनल तरफ, और उसके बाद फाइनल की तरफ। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है पूरे टूर्नामेंट का। इसमें क्या होगा क्यों होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि ये लाइव मैचेस हैं और ये रिकॉर्डेड नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहला मैच जो कि आज होने वाला है, जिसमें 2 टीमों की खतरनाक भिड़ंत है, इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक मुकाबला एवेंजर्स और हैंकॉक टीम का। और जानते तो आप हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बताना नहीं चाहूंगा, कोई मैं इशारे नहीं करूंगा कि कौन जीतेगा, आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा कि कौन जीतेगा। लेकिन चलिए उसके लिए आपको मैच देखना पड़ेगा। तो चलते हैं और देखते हैं पहला मैच इस बेहतरीन खतरनाक टूर्नामेंट का, इनसाइड सॉकर कप। ये खेल नहीं खिलवाड़ है। तो दोस्तों, ये मैच का आगाज यहाँ पर होते हुए, दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। ये रेफरी इनसाइड केटी और गौरव मनकू दोनों टीमों को समझाते हुए कि आराम से खेलें, प्यार मोहब्बत से खेलें, लेकिन ये मुकाबला कम आसान वाला होने वाला। और ये मैच की शुरुआत गौतम ने किक किया, और गेंद अभी हैंको के पाले में, आउटसाइड गेंद इनसाइड की वाली, काफी जोश में लग रहे हैं। खिलाड़ी जीत की तरफ बढ़ने की कोशिश, और ये मिस पास हो गया। गौतम गेंद को लेकर आगे बढ़े, और ये गेंद गई आगे पाले में, लेकिन बीच में चट्टान रूपी तीखे एकदम वार करते हुए आकाश भटनागर, गेंद फिर से जो है एवेंजर्स ने फिर से अटैक किया यहाँ पर, लेकिन गेंद जो है वो गौतम की, उन्होंने फिर से आगे की, और ये गेंद गई है DC के पास, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके क्योंकि सामने हल्क रूपी एक चट्टान खड़ी है अवनीश नामक चीज की। आकाश भटनागर ने वापस गेंद गई, अक्षय भटनागर जो कंट्रोल नहीं कर पाई गेंद को, अपनी भावनाएं और गेंद दोनों ने कंट्रोल कर पाई, और आशीष ने जो है गेंद फिर से की, और गोल चिकस गई, और गेंद फिर से आगे, और फिर से आकाश भटनागर के पास गेंद तीखी टांगों के मालिक, और ये गेंद उन्होंने आगे की, अक्षय भटनागर के पास तीनों ने की, और ये हैंड हो चुका है गौतम का, आउटसाइड ली गई है, लेकिन यहाँ पर अक्षय भटनागर द्वारा उन्होंने की किया फिर से गेंद उनके पाले में। ये लड़का तेज आउटसाइड क्या कर रहा है भाई। अक्षय भटनागर ने फिर से की किया, और कहाँ दे मारी गौतम के, चलिए कोई बात नहीं, के पास आउटसाइड मारा फिर से की किया, और यहाँ पर जंप दिखाई, यहाँ पर कलाबाजी दिखाते हुए ऑफिशियल DC जो काफी तेज तरार खिलाड़ी हैं, और ये मिस पास हुआ है ऑफिशियल DC के पास, DC कुछ कर पाएंगे नहीं, उनसे मिस हो गई गेंद, और गौतम गेंद को आगे लेके जाते हुए टांगों के बीच में निकालने की कोशिश, लेकिन नवी जोश छोटी बड़ी चीज नहीं, नवी जोश ने की किया, आशीष के पास गेंद, और ये गेंद फिर से चली गई आउटसाइड में। और ये
फिर से किक किया है अक्षय मैदान ने, और लेकिन आउटसाइड आगे गई है उन्होंने, गौतम को पास किया, गौतम ने डीसी को पास किया और डीसी आगे लेके जाते हुए गेंद को निकालते हुए, लेकिन अच्छा डिफेंस एवेंजर्स द्वारा, रेफरी ने गोलची ने किक किया, अक्षय मैदान के पास गेंद और आशीष जो है वो पैरों को ऐसे चला रहे हैं जैसे कि कैंचियाँ हों, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये मैदान खेलने के लिए बना है, कैंची चलाने के लिए बना। और एक किक किया गया यहाँ पर एचडी द्वारा जो कि दूसरी टीम के पाले में चला गया, और गोलची की गोलची ने किक किया, बीच में आ गया ऑफिशियल डीसी अपने टांग अड़ाते हुए, लेकिन गेंद छिन गई इनसाइड के पास, उन्होंने बेहतरीन पास किया अक्षय मैदान को जिन्होंने किक किया और फिर से मिस हो गई। किक्स तो मार रहे अक्षय मैदान, लेकिन गोल में मारे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पास किया गया गौतम, गौतम ने गेंद निकाली, गेंद दोनों के लड़ों के बीच में से निकाली, गौतम आगे जाते हुए, लेकिन डिफेंस फिर से उतना ही स्ट्रॉन्ग, डीसी आ गया था, लेकिन बहुत बेहतरीन डिफेंस, तीखी टांगों के मालिक आकाश भटनागर चीर सकते हैं किसी को भी अपनी टांगों से। और किक किया अक्षय मैदान ने, लेकिन गोलची वहां पर चुस्त दुरुस्त, उन्होंने गेंद को रोका और फिर से नवीजोश बीच में, और गौतम ने किक किया है, लेकिन ये और आउटसाइड लिया गौतम ने किक किया है, लेकिन गोलची के हाथों में ऑफिशियल डीसी ने कोशिश जरूर की लेकिन कोशिश नाकामी हुई। गोलची ने गेंद को आगे फेंका और फिर से जो है वो हैंकॉक के पाले में, हैंकॉक मोहित ने गेंद को आगे, मोहित भी खेल रहा है क्या, मोहित ने अपने होने का एहसास दिलाया, लेकिन आउटसाइड कर दिया गोलची ने, किक किया गौतम को, गौतम गेंद आगे लेके जाने कोशिश करते, लेकिन इनसाइड के वाये से बच नहीं पाए, लेकिन आगे अगर साहब ने गेंद को निकाला वापस इनसाइड के वापस, उन्होंने किक किया, लेकिन एचडी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त गेंद को रोक लिया वहीं पर, जाने नहीं दिया और इनसाइड के मैंने किक किया और फिर से अक्षय मैदान के पास, लेकिन ये सीधे गोलची के हाथ में मारी, अक्षय मैदान को कुछ समझाया कि गोल करना है तो गोलची के साइड में मारे, और गेंद वापस गौतम के पास जिन्होंने अच्छी कोशिश की, लेकिन गेंद निकाल ली गई एवेंजर्स द्वारा, फिर से गौतम कोशिश करते हुए, लेकिन फिर से गेंद गोलची के पास, काफ़ी अच्छा डिफेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर एवेंजर्स का। गोलची ने गेंद को फेंक दिया दूसरे पाले में और अब फिर से गोलची की एचडी द्वारा अक्षय मैदान के पास फिर से गेंद आई और फिर से हमलावर तेवर अपनाते हुए और हैंड शायद उनका हो गया है। आशीष को पास दी गई, आशीष ने गेंद को किक किया लेकिन फिर से इनसाइड के भाई बीच में आ गए और फिर से आउटसाइड हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं हमलावर तेवर यहां पर एवेंजर्स ने अपनाए हुए हैं, गेंद जो है वो हैंको के पाले में ही रख रहे हैं और फिर से इनसाइड के भाई आगे आते हुए और किक किया अक्षय मैदान ने, लेकिन बीच में ऑफिशियल डीसी आते हुए और ऑफिशियल डीसी जैसे मैं और ऑफिशियल डीसी बिल्कुल एक खुले साड़ी की तरह रफ्तार के बाद अच्छा बनते हुए कटिंग का अच्छा गेंद यहाँ पर पास है अक्षय मैदान के बाद जिन्होंने फिर से किक किया लेकिन अच्छा से यहाँ पर एचडी द्वारा। और आकाश भटनागर के पास गेंद उन्होंने आगे पास किया लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं, खाली जगह पास कर दिया और किक किया इनसाइड के बाद, और ये शायद हैंड हुआ है यहाँ पर, गेंद को रोक लिया गया, वापस से गेंद आती हुई एंको के पाले में, हमलावर तेवर अपना के रखे हुए हैं एवेंजर ने, जीने नहीं दे रहे हैं एंको वालों को और फिर से गेंद इकबाय के पास, अक्षय मैदान के पास, फिर से इकबाय के पास और इकबाय ने किक किया लेकिन गेंद साइड से निकल गई, को समझाए गेंद जो है जाली में डाल दी, किक किया वापस आशीष के पास गेंद, आशीष डबल ए डबल एस डबल एच डबल ई एस एच आशीष, और गेंद से गई है यहाँ पर नवी जोशी के बाद जिन्होंने पास किया वापस, आउटसाइड ली है एवेंजर्स ने अक्षय मैदान के पास गेंद, जिन्होंने गौतम को मारने की कोशिश की लेकिन गौतम ने गेंद उससे निकाली और फिर एक और पास, और बेहतरीन गोल यहाँ पर गौतम का, हमलावर तेवर तो एवेंजर्स ने अपना रखे थे लेकिन गोल कर गए, इनका गोल ही चमत्कार कर गए, देखिए इससे प्रेशर बिल्डिंग हो चुकी है, अब एवेंजर्स को कुछ दमखम दिखाना पड़ेगा जीतने के लिए। किक किया हैंड हुआ है और फिर से किक किया लेकिन ये गोल के साइड में चली गई गेंद, 1-0 से बढ़त बना ली है हैंकॉक ने, फिर से हमलावर तेवर अपनाते हुए लेकिन आकाश भटनागर अपनी तीखी कड़ांग के साथ लाकर बीच में उन्होंने गेंद को काट दिया और फिर से गेंद जो है वो गौतम के पास है, वो गौतम के पास लेकिन इनसाइड के गेंद को काटा, पास किया यहां पर अक्षय मैदान को, अक्षय मैदान ने वापस जो है गेंद को निकाला और वहां से पास करते हुए बीच में मोहित चट्टान की तरफ किक किया इनसाइड के मैंने, गोल होते होते बचे, फिर से किक किया है, गोल होते होते फिर से किक किया है लेकिन तीन बार प्रयास के बाद भी गोल नहीं हुआ, देखिए किस्मत भी कोई चीज होती है, अच्छा प्रयास था, बहुत बढ़िया प्रयास था यार,
लेवल था। गौतम गेंद को आगे लेके जाते हुए फिर से अक्षय मदान ने गेंद को काटा और इनसाइड एक को पास दिया, फिर से गौतम लेके उसके बीच में टांग अटाई और गेंद गई AESHEESH आशीष के पास और ये किक किया आकाश भटनागर ने और गेंद बाहर। वो गेंद वापस आ चुकी है हेंको के पास, किक किया HD ने और एवेंजर्स की टीम थोड़ी थकी थकी नजर आ रही है, काफी भागे हैं, काफी अटैक किया है लेकिन अब सांसें फूलती हुई, लेकिन गेंद वापस आई इनसाइड के और ये आशीष पीछे से टांग ऐसे मार रहे हैं जैसे मैं कुछ बोल दूंगा सांसें बता रहा हूं। और गेंद गई है ऑफिशियल डीसी के पास, वहां से गेंद गई है यहां पर इनसाइड के वाई के पास, वापस किया अक्षर मैदान को पास लेकिन रोक नहीं पाया, शायद गेंद थोड़ी ज्यादा तेज निकल गई वहां पर। गेंद वापस एवेंजर्स के पाले में, अब हमला किया है वापस से हमें हैंकॉक ने लेकिन आउटसाइड और आउटसाइड ली गई है गौतम द्वारा, जो कि कोशिश कर रहे हैं दूसरा गोल करने की लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गेंद जोर से मारो तो बाहर नहीं, बाहर तो हो गई लेकिन गेंद और ये फिर से ऑफिशियल डीसी की किक और इनसाइड के पास गेंद, जिन्होंने गेंद को आगे नहीं मारा क्योंकि अपने पाले में ज्यादा देर गेंद रखना नहीं चाहते हैं। गौतम के पास गेंद आई है वापस, गेंद को कंट्रोल करते हुए इनसाइड के भाई छीन लिया गेंद यहाँ पर, मोहित से काट ली गेंद आगे लेके जा रहे, गोल हो सकता है कि किया है और ये बढ़िया सेव HD द्वारा, बढ़िया प्रयास था इनसाइड के भाई का, एक तेज तरीन रफ्तारी खिलाड़ी और क्योंकि अक्षय मदान को उन्होंने फिर से ट्राई किया लेकिन ये भी गेंद बाहर, फिर से ट्राई किया जीने नहीं दे रहे हैं, देखिए हमले पर हमला कर रहे हैं, छुरी पर छुरी चला रहे हैं और तलवार पर तलवार और किक किया अक्षय मदान ने लेकिन गेंद गोल की साइड में, फिर से कॉर्नर किक ली है एवेंजर ने, फिर से कॉर्नर किक ले रहे हैं एवेंजर्स, हमला बनाए रख रहे हैं, फिर से किक किया है AESHEESH उसकी मतलब उसने मारी गेंद और आउटसाइड फिर चल गया, अक्षय मदान ने फिर से किक किया है और ये गोल होते होते बच गया, अच्छा सेव HD द्वारा। 1-0 से आगे जरूर हैंको की टीम लेकिन प्रेशर बना के रखा हुआ है एवेंजर्स ने, जैसा कि आप देख सकते हैं गेंद फिर से गई है मोहित के पास, गेंद अक्षय मदान ने गेंद को छीना, गेंद को काटा और आगे आए यहाँ पर गौतम और किक हुई और लेकिन अक्षय मदान का हैंड हुआ जिन्होंने अपना हैंड माना और आगे बढ़ चले हैं हैंकॉक की टीम वाले, अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, गेम की रफ्तार को थोड़ा धीमा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समय मिल जाए उन्हें। और ये हाफ टाइम का इशारा यहाँ पर 1-0 से लीड करते हुए हैंकॉक टीम के खिलाड़ी, बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड दोस्तों, खतरनाक चीज हमारे सामने हो चुकी है, उम्मीदों से परे। जो टीम जीत, मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीतेगी लेकिन एक टीम पीछे चल रही है 1-0 से, एवेंजर्स पीछे चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता था? सबको लग रहा था कि एवेंजर्स जीतेगी क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए भाई, कोई स्क्रिप्टेड मैच तो नहीं है, बट ऐसा कैसे हो गया? चलिए जो भी है, एक गोल से कभी कोई जीता थोड़ा ही है, अभी तो हम जिंदा हैं, अभी तो बराबरी करनी बाकी है, अभी तो इस मैच को पलटना बाकी है। मैं ज्यादा हिंट्स नहीं दूंगा, बताऊंगा ना कि आगे क्या होने वाला है, कोई लड़का 3 गोल कर सकता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मैच देखना पड़ेगा ना यार। सो दोस्तों, अगर आप खाना चाहते हैं बेहतरीन खाना तो आइए इनसाइड कैफे में, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सो इनसाइड कैफे। देखिए प्रमोशन बहुत जरूरी है, अगर आपको खतरनाक लेवल टी शर्ट चाहिए, कुछ प्रिंटेड कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट चाहिए, इनसाइड क्लोथिंग क्लब पार्टनर्स, क्लोथिंग पार्टनर्स, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं सो इनसाइड इंस्टीट्यूट फिल्म मेकिंग, और अगर फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो ठीक ही ठाका जाकर आप खेल सकते हैं। तो चलते हैं दूसरा, आप देखते हैं और कौन जीतेगा एंड में वो पता करते हैं, लेट्स गो। और ये सेकंड हाफ की शुरुआत दोस्तों, 1-0 से लीड बनाई हुई है हैंकॉक ने, एवेंजर ने खेल को शुरू किया और हमलावर तेवर फिर से अपनाते हुए यहां पर अक्षय मदान किक किया है लेकिन गेंद गई है आउटसाइड में और ये गोलची किक लेते हुए हैंकॉक खिलाड़ी, यहां पर गोलची चेंज कर लिया गया है हैंकॉक द्वारा, ऑफिशियल DC जो है वो गोलची बन चुके हैं और HD आगे खेलेंगे। किक किया यहाँ पर गौतम के पास गेंद लेकिन इस एडिको ने फिर से गेंद को निकाला और HD आगे आते हुए गेंद काटने की कोशिश लेकिन डिफेंस स्ट्रांग एवेंजर्स का यहाँ पर, HD ने फिर से गेंद को किक किया, पास किया है लेकिन फिर से आकाश भटनागर आगे आते हुए एकवाई के पास गेंद किक करिए जो आगे, फिर से ये गोल होने की आशंका थी यहाँ पर लेकिन HD आगे आए, गेंद निकाली और अटैक को ध्वस्त करते हुए लेकिन गेंद गोलची के हाथों में जिन्होंने गेंद को आगे फेंक दिया है। अभिषेक मनकू पहुंच चुके हैं मैदान में, गौरव मनकू के बड़े भाई यहाँ पर, देखिए पहली बार है कि किसी के बड़े भाई को उसके छोटे भाई के नाम से पहचाना जा रहा है। और ये गेंद फिर से
एवेंजर्स के पाले में गौतम ने गेंद को निकाला, एसजी को पास किया, एसजी ने गेंद को निकाला और ये गोल चुका यहाँ पर बीट किया, गोल 2-0 की बढ़त बना लिए यहाँ पर। खुश होते हुए यहाँ पर हैंकॉक के खिलाड़ी, हैंकॉक टीम के खिलाड़ी, और फिर से मैच की शुरुआत यहाँ पर 2-0 की बढ़त बना लिया, प्रेशर पूरा बना दिया गया है एवेंजर्स टीम के ऊपर। ऑफिशियल डीसी गेंद को किक करते हुए, गेंद गई है यहाँ पर फिर से एवेंजर्स के पाले में और आउटसाइड के भाई आउटसाइड लेते हुए और ये उन्होंने किक किया और गेंद गई है सीधा ऑफिशियल डीसी के हाथों में और आउटसाइड में जा चुकी है गेंद फिर से, फिर से आउटसाइड लेते हुए किक किया यहाँ पर पास करने की कोशिश, लेकिन गेंद जो है वो गौतम के पास गई और गेंद आउटसाइड में जा चुकी है। तो एचडी ने यहाँ पर आउटसाइड को लिया और खेल अब जो है थोड़ा सा स्लो होता हुआ, एवेंजर्स को अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी जीत के लिए, 2-0 से कुछ नहीं होगा और ये गोल, गोल करते हुए इनसाइड के बाय सीधे डाइव लगा दी, थोड़ा सा रिलैक्स कर गए थे ऑफिशियल डीसी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि डीसी के ऊपर भी इटर जो है डीजीपी होता है, डीसीपी पंजाब दा, मैं क्या डीसीपी पंजाब दा भाई, बहुत कुछ सीखने को मिले ऑफिशियल डीसी नु ये गोल होने के बाद। और गेंद को आगे लेके जाते हुए हैंको खिलाड़ी, 2-1 स्कोर हो चुका है, 2-1 अब थोड़ा सा जो है बढ़त को कम कर दिया है एवेंजर्स की टीम ने, अब थोड़ा मुकाबला कांटे का होने वाला है। डीसी ने फिर से जो है गेंद को किक किया, गेंद गई यहाँ पर गौतम के पास, गौतम ने जो है गेंद को रोका एक ही बार आते हुए बैठते हुए और गौतम से गेंद निकालने की कोशिश करते हुए, फिर गेंद गई अभिषेक के पास जिनसे फिर गेंद निकालने की कोशिश करते हुए और गेंद गई है आशीष के पास जिन्होंने गेंद को थोड़ा सा आगे लेके आया, लेकिन अक्षय मदान ने अच्छा गेंद को काटा और एक बार ने उनसे गेंद को निकाला, लेकिन आगे डिफेंस अच्छा, गेंद फिर से अटैकिंग मोड में हैंको के खिलाफ, हेड उन्होंने लिया लेकिन गेंद गई है आउटसाइड में और फिर कॉर्नर किक मिली यहाँ पर, कॉर्नर लिया लेकिन आकाश भटनागर ने कौन को रोका और आगे पास किया और यहाँ पर गेंद अक्षय मदान के पास जिन्होंने किक किया लेकिन टाइमिंग नहीं बैठा पाई अपने किक की और इतनी तेज रफ्तार किक नहीं हो पाई और डीसी ने फिर से किक किया, आगे गई है गेंद, नवीन जोशी उड़ते हुए आए हैं, शुक्र अपने कप्तान को घायल कर सकते थे लेकिन बच गए और गौतम फिर से गेंद को आगे लेके जाते हैं और एक गोल होते होते बच गए, अच्छा सेव यहाँ पर अवनीश द्वारा, AK-47 कोई चीज क्या डिमांड कर रही है। और गेंद फिर से जो है हैंकॉक के पास, आशीष ने गेंद को आगे कट किया लेकिन गेंद रुकी गई नवी जोश द्वारा जिन्होंने गेंद को आगे मारा, लेकिन फिर से गौतम ने उनसे निकाला, गौतम आगे बढ़ते हुए गेंद पास किया एसजी को और ये अच्छा प्रयास लेकिन गोलची का बढ़िया सेव यहां पर AK-47 नी मुठियारे, अच्छा गोलची बड़े हल्क रूपी आउटसाइड एबल इनसाइड के मैंने हेड मारा इनसाइड एसजी ने और गौतम के पास गेंद गौतम गेंद को आगे लेके जाते हुए लेकिन फिर से डिफेंस के पास गेंद और डिफेंस ने अच्छा बचाव किया लेकिन एसजी आगे आते हुए यहां पर अच्छा मौका था लेकिन उसे भुना नहीं पाए और गेंद गई है फिर से एक खतरनाक खिलाड़ी के पास अक्षय मदान के पास जो कि बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पाए और आउटसाइड में जा बजे आउटसाइड यहां पर अभिषेक मनखू ने लेकिन गेंद फिर से जो है अक्षय मदान के पाले में जिन्होंने किक किया और ये आउटसाइड और आउटसाइड लेते हुए अक्षय मदान अब मौका बढ़िया है यहीं से किक कर सकते हैं और किक किया है लेकिन ये गेंद और नेट गेंद लगी है पोल पर और फिर से इनसाइड का मौका लेकिन ये गोल होते होते रह गया यहाँ पर अच्छा मौका था बराबरी करने का लेकिन बराबरी कर नहीं पाए इनसाइड की किक की और ये गेंद आउटसाइड की तरफ जाते हुए लेकिन गेंद आशीष ने आगे मारी और आउटसाइड हो चुकी है और ये गोलची किक ऑफिशियल डीसी किक करते हुए और उन्होंने पास किया एसडी को एसडी ने पास किया यहाँ पर आगे आशीष के आर पार निकल गई गेंद जो है गौतम के पास गौतम ने पास किया एसडी को एसडी आगे आ चुके हैं डिफेंडर को काटने की कोशिश लेकिन डिफेंडर सतर्क वहाँ पर उन्होंने किक किया लेकिन गोलची का अच्छा वहाँ पर सेव और आकाश भटनागर ने गेंद को उठा कर दिया मारा बाहर आउटसाइड लेते हुए एंको की लड़की किक अच्छी थी लेकिन यहाँ पर गोलची का अच्छा सेव डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर एवेंजर्स का बढ़िया डिफेंस करते हुए मौके काफ़ी बन रहे हैं लेकिन उन्हें सेव कर रहे हैं और आउटसाइड लिया है गौतम ने गौतम और ये एचडी के पास गेंद और ये शायद फाउल कर दिया यहाँ पर एचडी फाउल मांगते हुए इनसाइड ही का फाउल मेरा फाउल और ये फाउल की मांग करते हुए और अक्षय मदान कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही गिर गए हैं
लेकिन अब बातचीत चलते हुए कि फाउल है ही नहीं, मैंने तो बॉल को कॉन्टेक्ट किया है, ए के वाई बोलते हुए और ये फाउल हो गया है। और गेंद हैंकॉक के पास, यहाँ पर अभिषेक मन को गेंद को आगे लेके जाते हुए उन्होंने गौतम को पास किया और ये गेंद के पास उन्होंने गेंद को बस दिशा दी और एक गोल, बेहतरीन गोल यहाँ पर। गोलची ने काफी अच्छे सेव किए थे अब तक, लेकिन ये वाला जो सेव है वो नहीं कर पाए, इसलिए फिर से गेम को स्टार्ट करते हुए अक्षय मैदान को उन्होंने पास दिया। अक्षय मैदान ने गेंद को काटने की कोशिश की और बीच में टांग अड़ाई यहाँ पर गौतम ने, लेकिन आउटसाइड हो गई है और गेंद हैंको के पास, इसलिए किक किया। अब जो है 3-0, 3-1 की बढ़त बन चुकी है। अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा रेंजर्स के यहाँ से बराबरी करना या फिर ये मैच को वापस लेके आने में। और गेंद फिर से एवेंजर्स के पाले में और लेकिन ये आउटसाइड, फिर से ये फाउल दिया गया है रेफरी द्वारा और किक की एच डी ने गौतम के पास, वापस एच डी के पास पास, उन्होंने फिर से एक कोशिश की लेकिन फिर, लेकिन डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एवेंजर्स का, यहाँ पर गोल नहीं कर पाए और ये आउटसाइड हो चुकी है। फिर से गेंद जो है आउटसाइड हो चुकी है, फिर से गेंद जो है हैंकॉक के पास, गेंद आकाश भटनागर ने अपने ही गोल में दे मारी है यहाँ पर। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी। जहाँ आकाश भटनागर की तीखी टांगे या तो दुश्मनों की टांगों को चीर सकती है या फिर अपने ही गोल को चीर सकती है, अपना ही गोल कर दिया पर आकाश भटनागर ने, इसे वो पीछे हैं, अब जीतना तो नामुमकिन ही रहेगा। गेंद आउटसाइड में किया एच डी ने, लेकिन गेंद जो है वो ऊपर से निकल गई और 4-1 का यहाँ पर मुकाबला चलते हुए अब तो मैच बस सीटी की देरी रह गई है। अंत काफ़ी नज़दीक इस मैच का और बहुत ही ठंडा ठंडा होकर सब लोग खेल रहे हैं और एवेंजर्स फिर से प्रयास कर, अक्षय मैदान बढ़िया प्रयास करते हुए किक मारते हुए आगे, ये फाउल करते हुए गौतम, और यहाँ पर उन्हें येलो कार्ड दिखा दिया गया है अपने फाउल के लिए। येलो कार्ड, पहला टूर्नामेंट का पहला मैच और पहला येलो कार्ड गया यहाँ पर गौतम को। और ये आउटसाइड में दे मारी ऑफिशियल डीसी ने गेंद और एचडी गुस्साते हुए कि अरे क्या कर रहा है यार, डीसी होकर ऐसा काम। और आउटसाइड से किक लिया इनसाइड के बाने, लेकिन अच्छा सेव डीसी द्वारा, फिर से किक किया है एके बाने, कॉर्नर लिया है, बीच में आशीष आ गए हैं उन्होंने किया और रेफरी को मारने की कोशिश की यहाँ पर ए डबल एस डबल एस डबल ई डबल एस डबल एच 77 नंबर आशीष ने, गेंद यहाँ पर निकाल ली है आकाश भटनागर ने, लेकिन आउटसाइड में चली गई गेंद और अभिषेक आउटसाइड लेते हुए यहाँ पर पास दिया एचडी को, एचडी गेंद को आगे लेके जाते हुए अक्षय मैदान साथ साथ चलते हुए और किक किया एचडी ने, लेकिन ये बाहर, निशाना चूक गया उनका। और 4-1 का ये मुकाबला समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए, जल्दबाजी करने की कोशिश तो कर रहे हैं एवेंजर्स के खिलाड़ी, लेकिन 4-1 से बराबरी करना इस समय नामुमकिन के बहुत पास रहेगा। और ये समाप्ति की तरफ चलते हुए मैच और गेंद वापस से एवेंजर्स के पाले में, फिर से कोशिश करते हुए लेकिन नाकामी भी कोशिश अक्षय मैदान 07 की, जिनके कोई भी जो है अभी तक किक जो है निशानों पर नहीं लग रही अक्षय मैदान की, निशानेबाजी में कमजोर रहे हैं, अपने समय में 3 पत्ती खेला करते थे। और ये फिर से गेंद जो है ये गई है गौतम के पास, जिन्होंने गेंद निकाली और एक गोल कर दिया है 5-1 से आगे बढ़ते हुए। और इनसाइड के भाई अब हताश हो चुकी है, काफ़ी निराश हो चुकी है अपनी टीम से। और गेंद फिर से जो है वो हैंकॉक के पाले में, उन्होंने 5-1 गेंद वापस से हैंको के पाले में, वो आगे लेके जाते हुए फिर से गोल करने की कोशिश, लेकिन 6-1 करने से चूक गए हैंको खिलाड़ी, फिर से आउटसाइड यहां पर लेते हुए एचडी और किक किया, लेकिन गेंद गई है आउटसाइड। फिर से गोल चिकी ली गई हैंको द्वारा, किक आगे करी गई और ये गोल के पास गेंद, लेकिन गोल गई एक फड़से उनके हाथों में, जिन्होंने गेंद को उठा के फेंक दिया यहां पर और नेट के ऊपर दे मारा है और ये आउटसाइड मिलेगी हैंकॉक को, फाउल मिलेगा यहाँ पर। और 5-1 से ये मैच की समाप्ति, सीटी बजी यहाँ पर और मैच समाप्त होता हुआ, सभी खिलाड़ी हैंडशेक करते हुए और बेहतरीन मुकाबला, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मुकाबला होगा, एक तरफा मुकाबला यहाँ पर जीता हैंकॉक के खिलाड़ियों ने। तो दोस्तों ये क्या क्या हो गए,
क्या हो चुका है दोस्तों, उम्मीदों से परे दोस्तों। खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता रहता, जीत हार तो जो है चलती रहती है दोस्तों। किसका लैपटॉप भाई, ये सब चीजें मत रखा करो, महंगी चीजें मैं उड़ा दूंगा ऐसे। उम्मीदों से परे हुआ है, लेकिन टूर्नामेंट खत्म थोड़ा ही हुआ, पहला मैच है ये तो। देखिए दरिया दिल है, आराम से खेल रहे थे, समझ रहे हो, आराम से खेल रहे थे, जोर नहीं लगाया, इसलिए ये सब हो गया। मुझे तो ध्यान भी नहीं है, ये लाइव मैच है, देखो रिकॉर्डेड नहीं है, बट जो भी है चलो। हौसला नहीं आ रहा अपने, लड़का वापस आएगा भी, अभी हम जिंदा है, मैंने बताया ना आपको पहले भी, फाइनल तक पहुंचेंगे, टेंशन नहीं लेना। सो दोस्तों कैसा लगा ये बेहतरीन खतरनाक मैच, एवेंजर्स वर्सेस हैंकॉक, जिसमें कि एक बेहतरीन टीम जीत नहीं पाई, उनसे थोड़ी बेहतरीन टीम जीत गई, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं आपको अगले मैच में, आप देख रहे थे इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग प्रेजेंट्स इनसाइड सॉकर कप का पहला मैच। ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स इनसाइड मोशन पिक्चर्स, फूड पार्टनर्स द इनसाइड कैफे, क्लोथिंग पार्टनर्स इनसाइड क्लोथिंग क्लब, और लोकेशन पार्टनर्स टिकी टाका। मिलते हैं आपको अगले मैच में, अंटिल देन दिस इज इनसाइड एके वाई। कमेंट करके बताएं कि सबसे बेहतरीन खतरनाक टीम कौन सी लगी, कौन सबसे बेहतरीन प्लेयर आपको लगा, मैं जानता हूं, बट फिर भी नाम लिखने में कोई बड़ी बात नहीं, नाम लिख दीजिए। अगले मैच में कौन जीतेगा, अगला मैच है एनएसएस वर्सेस कमाल का, जो भी जीतेगा उसका नाम लिख दीजिए, कमाल का, वो मैंने सिर्फ राइमिंग के लिए कमाल का बोला। सो दोस्तों माय नेम इज इनसाइड एके वाई, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। घूमती है कुर्सी, बहुत बढ़िया लगी मुझे यार।